नेक्स्ट है हमको दी है डिस्कस करना कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज जो दी है इसमें यूएन दी है, ये दिया समेशन ए पावर एन, ए की पावर एन प्लस एक्स की पावर एन, ए ग्रेटर देन जीरो एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो अब यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल टाइप थी, तो पॉलिनोमियल टाइप नहीं है तो इसका मतलब अब क्या करना पड़ेगा हमको, केस डिस्कस करने पड़ेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगी ना कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या होती है, ए पे भी डिपेंड कर सकती है केस, ये केस चेक करने पे। तो फर्स्ट केस मैंने ले लिया, अब दोनों क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो एक केस ये भी हो सकता है एक्स की वैल्यू ए हो जाए, तो अगर एक्स की वैल्यू ए हो जाती है तो इसमें क्या चेंजेस आ जाएंगे, यहां क्या आ जाएगा ए रेस टू पावर एन, ये प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ गया वन बाय टू। तो अगर हम लिमिट लेते हैं एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन, तो ये क्या थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ही है, वन बाय टू क्या होगा इन्फाइनाइट टाइम्स तक, तो ये कांस्टेंट है तो इसमें यू हमारे पास क्या आ जाएगा सिंपली वन बाय टू ही आ गया, ये क्या आ गया नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन क्या थी हमारी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन ये करना है जीरो तभी होगा, तभी क्या होगी ये सीरीज क्या होगी कन्वर्जेंट होगी, लेकिन यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा, बाकी में हमने इसलिए नहीं किया बाकी में सीधा ही टेस्ट लगाना है क्योंकि टेस्ट से ही डिसाइड होगा। तो यहाँ पे क्या है ये क्या जीरो नहीं बन रहा, तो इसका मतलब क्या है ये तो सीधा ही क्या आ गया यू एन इज डाइवर्जेंट, ठीक है ये तो केस फर्स्ट था। अब केस सेकंड लेते हैं, तो केस सेकंड में देखो मैंने क्या ले लिया कि जो हमारा एक्स है लेस देन ए, तो दोनों तरफ ए से डिवाइड करेंगे तो एक्स बाय ए क्या हो जाएगा लेस देन वन। तो अब क्या करते हैं जो हमारे पास सीरीज थी तो ये क्या थी ये, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अब देखो x बाय ए बनाना है हमने तो क्या करें ए रेस टू पावर एन कॉमन ले लें यहां से, ये आ गया। अब ए रेस टू पावर एन के साथ एन कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, यानी अब हमारे पास यू एन क्या आ गया, ये आ गया। अब देखो एक हमने रिजल्ट किया था, रिजल्ट क्या था कि अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए रेस टू पावर एन ये क्या होगा जीरो होगा इफ ए इज लेस देन, तो कोई भी नंबर, अब यहां पे देखो यू एन टेस्ट करते हैं तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन यहां लिमिट लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा वन बाय एक्स बाय ए रेस टू पावर एन। अब देखो ये जो नंबर है ये क्या है लेस देन वन है, तो कोई भी नंबर जो लेस देन वन होगा उसकी लिमिट पावर में हो और वो इन्फिनिटी आ जाए तो वो क्या आएगा भाई यूज दिस रूल, ये कहना चाहिए जीरो, तो ये क्या आ गया वन बाय वन प्लस जीरो, ये भी क्या आ गया वन, तो ये भी क्या नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि कंडीशन क्या थी नेसेसरी कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट तब होगी जब उसकी ये टर्म क्या होनी चाहिए ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर जीरो होगा फर्स्ट स्टेप तो यही है, ठीक है, तभी हम कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है नॉन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है ये सीरीज जो हमारी है डाइवर्जेंट, क्योंकि अगर ये जीरो आता तो हम टेस्ट लगा के क्या करना था कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इसकी चेक करनी। अब देखो नेक्स्ट केस क्या है, केस थर्ड करते हैं, केस थर्ड इफ एक्स इज ग्रेटर देन, तो अगर एक्स ग्रेटर देन ए है तो अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो वन ग्रेटर देन ए बाय एक्स होगा, दैट इज अगर मैं इसको इंटरचेंज इस तरह लिख सकता हूं ए बाय एक्स इज लेस देन। अब देखो यू एन क्या था, यू एन था
a raised to power n by a raised to power n by x। अब क्या करना है, हमें इस टाइप की बनानी है जिसमें a by x क्या लेस बने। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, x के पावर n को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो x की पावर n कॉमन कर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे तो 1 हो गया तो पहले इसको लिख लिया, यहां पे क्या आ जाएगा a by x पावर n हो गया। ठीक है, अब क्या किया, un हमारे पास क्या आ गया, a by x की पावर होल n 1 by 1 प्लस a by x की पावर n। ठीक है, तो अगर यहां पे आप un लगाना, देखो un करता हूं तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, ये क्या है 1 से लेस है, वही रिजल्ट। अगर किसी if b raised to power n if limit n tends to infinity b की पावर n 0 बनेगा if b क्या हो लेस देन 1। तो ये क्या है, a by x is less than 1 है, तो ये क्या बन जाएगा 0। यहां पे भी ये भी 0 बन जाएगा, 0 into ये क्या आ जाएगा 1 आएगा एक्चुअली में, तो 0 into 1 क्या बन जाएगा 0। तो अब क्या है, ये सीरीज कन्वर्जेंस हो सकती है क्योंकि इसमें un 0 आ रहा है। ठीक है, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, वही लिमिट टेस्ट लगाएंगे। तो लिमिट टेस्ट लगाने के लिए अब यहां पे un दिया तो इसलिए मैंने क्या करता हूं vn को चूज करते हैं। तो चूजिंग vn को ये जो आपका कॉमन आया इसको चूज कर सकते हैं, चूज कर लेते हैं vn क्या आ गया। ठीक है, अब क्या किया हमने, लिमिट टेस्ट लगा दिया, लिमिट un बाय vn। तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, अब ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों आपस में। अब देखो फिर क्या है, फिर यही रिजल्ट यूज करेंगे, अगर n टेंड्स टू इनफिनिटी है b पावर n, अगर ये क्या b लेस देन 1 है तो इसकी लिमिट क्या होगी 0। तो ये नंबर जो है क्या है लेस देन 1 है, इस पे लगाएंगे क्या आएगा 1 प्लस 0, तो ये 1 आ गया नॉट इक्वल टू 0। अब लिमिट टेस्ट का रिजल्ट लगाना, तो अगर ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, समेशन यू एन एंड समेशन बी एन बिहेव अलाइक। तो इसका मतलब ये कन्वर्ट करेगा तो ये कन्वर्ट करेगा एंड वाइस वर्सा, दोनों की नेचर सेम होगी। तो यहां पे वी एन क्या है हमारे पास, ए बाय एक्स रेज टू पावर एन। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ, एन की वैल्यू 0 होगी तो 1 आ गया, नेक्स्ट क्या होगी ए बाय एक्स होल स्क्वायर अप टू सो इनफाइनाइट। ये क्या है, दिस इज जीपी सीरीज। अब हमने किया था जीपी सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, जब उसकी कॉमन रेशियो क्या होगी लेस देन 1। तो यहां पे कॉमन रेशियो क्या है, विच इज ए जीपी सीरीज विद कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो को आर से डिनोट कर रहा हूं, ये क्या है ए बाय एक्स, ए बाय एक्स क्या है लेस देन 1 है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जीपी अगर सीरीज है, अगर उसकी रेशियो लेस देन 1 है कॉमन रेशियो, तो वो सीरीज क्या होगी कन्वर्जेंट होगी। दिस इंप्लाइज समेशन बी एन इज कन्वर्जेंट, इसका मतलब क्या होगा समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट। तो ये हमारे पास तीन केस हो गए।